कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। इटली में 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। चीन में ठीक हुए 10 मरीजों की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है और भारत में अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाही के आलम में ढकेल दिया है, वो कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है? जी हाँ, अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है। आप भी देखिए, कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 900 से ज्यादा केस कंफर्म हो चुके हैं, मतलब खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पुणे स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक पहली बार कोरोना वायरस की तस्वीरें सामने लाए हैं। ये इमेज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजिंग की मदद से ली गई है। उन्हें इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लेटेस्ट एडिशन में दिखाया गया है। ये तस्वीर भारत के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के गले से लिए गए सैंपल से ली गई है। देश में वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में रिपोर्ट हुआ था। संक्रमित युवती उन 3 छात्रों में शामिल थी जो चीन के वुहान शहर में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे। केरल के नमूनों की जीन सिक्वेंसिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में की गई थी। इसमें पता चला था कि भारत में मिला ये वायरस चीन के वुहान शहर में मिले वायरस से 99.98% मैच कर रहा है। दरअसल अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका ने एक वैक्सीन का परीक्षण किया है जिसका नतीजा आना बाकी है। अब भारतीय वैज्ञानिकों के वायरस की माइक्रोस्कोपी इमेज सामने आने के बाद इसके इलाज का रास्ता साफ हो जाएगा। वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक कारणों से उपजी बीमारी है या मानव निर्मित है। 180 से ज्यादा देशों में फैला ये वायरस अब तक 22,000 से ज्यादा जाने ले चुका है, जबकि करीब 5 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।